Hello students, good morning. Today I am going to teach you water, a precious resource. For class 7, water जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करता है. It is the non-living component of the atmosphere, which is very essential for the survival of the living organism. So, let us discuss about the water, a precious resource. So, water, a precious resource. Water, a precious resource. Precious. मतलब हमारे लिए जो वाटर है वो बहुत कीमती है. A precious resource. Precious resource. Water, a precious resource. बहुत ही कीमती जल है तो कल है. Every drop of water is important. जल की प्रत्येक बूंद जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है. Every drop of water is precious. So conserve water. जल है तो कल है. Water is very useful for us. हम लोग ये जानते हैं. वाटर जो है वैसे तो अर्थ का एटमोस्फियर में, जो अर्थ हमारा यानी जो हाइड्रोस्फियर है, वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फियर. तो अर्थ पर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो है आपको पता है कि तीन हिस्सा पानी है और एक हिस्सा जो है आपका अर्थ है. दैट इज मोस्टली 71-75% इज द वाटर एंड ओनली 25% इज द लैंड वेयर वी लिव. बट दिस वाटर इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स. वाटर जो है हमारा ये दो फॉर्म में है. एक वाटर जो है वो है मैरीन है. मैरीन का मतलब जो कि सी वाटर, दैट इज कॉल्ड सी वाटर, विच इज वेरी सॉल्टी, जो कि बहुत क्या है, सॉल्टी. सॉल्टी यानी वो नमकीन है, उसमें नमक का मात्रा बहुत ज्यादा है. एंड दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस. हमारे लिए वो कोई अदर काम में यूज नहीं होता है. ना हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं, ना हम उसको जो है वॉशिंग क्लॉथ और जानवर को भी पानी नहीं पिला सकते हैं. इवन दैट इज ओनली यूज फॉर मेकिंग सॉल्ट्स. सॉल्ट्स बनाने में ही वो यूज हो सकता है, उसका वैसे कोई उपयोगिता नहीं है. तो दैट वाटर इज यूजलेस फॉर अस. मोस्ट ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सी और ओशियन इज वेरी सॉल्टी एंड इज यूजलेस फॉर अस. उसका कोई उपयोगिता नहीं है. एंड दैट वाटर इज कॉल्ड मैराइन वाटर और सी वाटर. जो दूसरा वाटर है वो है फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर जो है वो हमारे लिए यूजफुल वाटर है. यही यूजफुल वाटर है, वॉट एवर वाटर, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं. यूजफुल वाटर के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. ये यूजेबल, ये यूजेबल, यूजेबल वाटर, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड दैट इज अ वाटर प्रेजेंट इन रिवर. रिवर वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर. ये अंडरग्राउंड वाटर है, तालाब का है, झील का है, नदी का है, ये फ्रेश वाटर है, इसको ही हम लोग यूज कर सकते हैं. दैट वाटर इज ओनली यूजफुल फॉर अस, विच इज अबाउट 2.5-3%. वो 2-3% के ही लगभग है, जो बहुत कम मात्रा में है. यानी एक बाल्टी में एक चम्मच के मात्रा के बराबर हमको बहुत कम मात्रा में पानी हमारे लिए उपयोगी है. यूजफुल वाटर के रूप में इस धरती पर विद्यमान है. दैट्स वाई वी नीड टू कंजर्व वाटर. हमको वाटर को संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है फॉर आवर फ्यूचर यूज. इसलिए वाटर को हम लोग को बहुत ही वाइजली, प्रॉफिटेबल तरीके से, बुद्धिमानी तरीके से यूज करना चाहिए. सो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस फॉर अस. जल है तो कल है. वाटर हमारे लिए बहुत कीमती, इसलिए हम लोग वाटर संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण में जल संरक्षण की बात हमेशा करते हैं. सो वी नीड टू कंजर्व वाटर, वी नीड टू
कलेक्ट वाटर सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग बढ़ा सके और ये हमारे लिए उपलब्ध रहे, हमारे बेहतर के लिए, हमारे बेहतर जीवन शैली के लिए. सो दिस इज द वाटर इज इन द टू फॉर्म्स, वाटर इन द मैराइन वाटर एंड दैट इज द फ्रेश वाटर. तो ये वाटर जो है कांस्टेंट रहता है, जो हमने कहा कि 75% वाटर का मात्रा जो है वो अर्थ पर हमेशा विद्यमान रहता है. सो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूज दिस वाटर एंड दिस वाटर इज मेंटेन बाय द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के जरिए ये वाटर का मात्रा जो है इस धरती पर हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो उतना वाटर मेंटेन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल. सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट वाटर साइकिल, कि हम लोग वाटर साइकिल को थोड़ा समझते हैं कैसे वाटर साइकिल जो है वाटर का लेवल को मेंटेन करवा करके रखता है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल में अगर आप देखते हैं बुक्स वगैरह में भी देखते हैं, तो बेसिकली हम लोग के पास जो है वाटर साइकिल में वैसे तो 5 स्टेप है, बट 7 स्टेप्स का बात होता है कि देयर आर 7 स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स इन ए वाटर साइकिल. सबसे पहला जो हम लोग जो बोल रहे हैं कि वाटर साइकिल है, व्हाट इज वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को हम लोग डिफाइन करते हैं साइकिल, द साइकिल CYCL, द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द Earth atmosphere. So, water cycle, the cycle that involves continuous circulation of water in the Earth atmosphere system, is called water cycle. So this is about your sort of definition that water cycle, the cycle that involves continuous circulation of water in the Earth atmosphere system is called water cycle. जिससे water का मात्रा constant रहता है water cycle के जरिए. And this is called your water cycle, the cycle that involves the continuous circulation of water in the Earth atmosphere system is called water cycle. तो ये water cycle का steps क्या है? तो हम लोग लिखेंगे स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल. तो स्टेप्स इसके जो इन्वॉल्व है वो हमने कहा कि बेसिकली तो 5 स्टेप है, बट वी शुड डू अबाउट दैट. यहाँ पर स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल में आपको हम लोग बेसिक जो स्टेप्स है उसके बारे में आप बात कर लेंगे. स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल में सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद दूसरा स्टेप जो है आपका वो है, इसमें इवेपोरेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन के बाद जो है प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन के बाद जो है रन ऑफ होता है, रन ऑफ. तो हम लोग यहां पर प्रेसिपिटेशन रन ऑफ एक स्टेप में लिखते हैं. ट्रांसपिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन. और फिर जो है इनफिल्ट्रेशन,
इनफिल्ट्रेशन. सो दीज आर द स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन द बेसिकली जो है हमारे पास पांच ही स्टेप है. ये ट्रांसलेशन भी इवैल्यूएशन के ही कड़े में आ जाएगा. तो हमारे पास जो है इसको आप पांच स्टेप पे लिखिए जो है इसमें हम लोग रन ऑफ और पांचवा में लिख देते हैं आपका इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन तो पहला स्टेप है इवेपोरेशन वाटर और उसमें मदद करता है ट्रांसपिरेशन भी आपका के जरिए. इसको भी इसमें अलग स्टेप पे आप पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं कि क्या है कि सी का वाटर या रिवर का वाटर या पॉन्स का वाटर या लेक्स का वाटर जो है वो वेपर बन के स्ट्रीम बनकर के ऊपर की ओर जाता है और वो एयर के साथ मिक्स होकर के ऊपर की ओर उड़ने लगता है उठने लगता है हल्का हो जाता है उठने लगता है. उसके बाद जो है बहुत ऊंचाई पर जाता है तो ये कंडेंस करता है यानी ठंडा होने के बाद जो है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में ये बन जाता है. उसके बाद जो है ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है. इट बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड इट फॉर्म्स द क्लाउड व्हिच कम्स इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. या रेन ड्रॉप्स के लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर होने के बाद जो है ये नीचे की ओर गिरता है रेन्स के रूप में. इट कम्स इन द फॉर्म्स ऑफ रेन्स. जब ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन होने के बाद देन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एज अ रेन्स के रूप में. लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम होता है बहुत ही कम होता है 0 डिग्री सेल्सियस में होता है तो कभी कभी वर्षा जो है वो बर्फ के रूप में स्नोफॉल के रूप में हेल्स के रूप में भी वो गिरता है. तो दैट इज समटाइम्स इट हैपेंस कि बहुत लो टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उस समय जो है आपको वो हेल्स के रूप में स्नो के रूप में बर्फ के रूप में बारिश का बूंद बिखर गया. लेकिन वो जनरली रेन्स के रूप में आता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडेंसेशन के बाद इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन होता है. उसके बाद वो अंडरग्राउंड और ये जमीन पर आने के बाद रन ऑफ कर जाता है जहां तहां चला जाता है गड्ढे में जमा हो जाता है नदी में जमा हो जाता है तालाब में जमा हो जाता है. हम लोग गड्ढा खोद कर रखते हैं तो वहां पर जमा हो जाता है रन ऑफ ये बन जाता है और चला जाता है. कुछ पार्ट जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड अदर सब्सटेंस जहां जमा भी रहता है वहां भी धीरे धीरे इनफिल्ट्रेशन होता है एंड अल्टीमेटली गोज इनटू द अंडरग्राउंड वाटर वेयर द अंडरग्राउंड वाटर लेवल टेबल जो है वो बनता है. अगर वर्षा अच्छी होगी तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा. इसलिए वी नीड टू कलेक्ट वाटर रन ऑफ वाटर को हम लोग जितना ज्यादा खोलते हैं सरकार भी खुलवाता है डोभा खुलवाता है और नदी तालाब के जरिए जो है उसको पानी को हम लोग जमा करते हैं. इट विल कलेक्ट मोर एंड मोर वाटर इट विल बी सीपेज अंडरमोर बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड इट विल मेक द अंडरग्राउंड वाटर लेवल वेरी रिच एंड सो वी गेट द वाटर. इन दिस वे द वाटर इज रिप्लेनिश्ड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर गेट कॉन्स्टेंट थ्रू द वाटर साइकिल. सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल विच आई हैव मेक इट वेरी सिंपल एंड इट विल बी क्लियर फॉर यू. सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.